करती। बैठ जा थोड़ी देर। क्या हुआ रूपम जी, अभी से थक गई? क्या करूं भाभी, इतना सारा सामान है, थकावट तो होगी ना। तो कम सामान रखती ना मेरी तरह। घूमने जा रही हूँ, इतना सारा सामान तो होगा ही ना। रखो पर तरीके से। कैसे? हमेशा लाइट लगेज कैरी करो और जाने से पहले अपनी चेकलिस्ट जरूर बना लो। तो चेकलिस्ट में बस यूटिलिटी का सारा सामान जैसे कपड़े, कंफर्टेबल शूज, मेडिसिन, अम्ब्रेला, और यहाँ पे मैंने कपड़ों को पॉलिथीन में रखा है जिससे कि ये इधर उधर नहीं होते और निकालने में भी आसानी रहती है। और बस आप रेडी हैं अपनी वेकेशंस को एंजॉय करने के लिए? आपकी ट्रैवल को कंफर्ट बनाने के लिए ऐसी अमेजिंग हैक्स आगे भी हैं, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो बैठिए यहाँ। बस बेटा थोड़ी देर में कोई रेस्टोरेंट मिलेगा तो वहीं रोक के आपको खिला देंगे। कब से बोल रहे रेस्टोरेंट आएगा? अब तो चूहे भी दौड़ रहे पेड़ में। बेटा बस आने वाला है। अक्सर ऐसा होता ही है, सफर में बच्चे हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने को मांगते ही हैं और कई बार तो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते। इसके लिए आपको घर से ही हेल्दी और लाइट स्नैक्स पैक कर लेने। इसके लिए मखानों को घी या बटर में सेक के रख ले, तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स पैक कर ले, और हाँ इस तरीके के चने भी रख सकते हैं। साथ ही में बड़ों के लिए आप जो पैक स्नैक्स आते हैं उन्हें भी पैक करके जरूर रखें। यार रुक जाओ, अब थक गई मैं। यार सच में मैं भी थक गई, रुक जाओ प्लीज। अरे बस थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ी सी दूर है, आ जा। यार प्लानिंग तो तेरी कुछ होती नहीं है, वैसे ही लेके आ जाता है घुमाने के लिए। यार अब चढ़ने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी क्या? हाँ हाँ करनी पड़ेगी तैयारी। ये ले डंडा और इसको इसके सहारे चढ़ा ले। पहुँच गए। ठंड भी बहुत लग रही है। चलो फिर बॉनफायर के लिए लकड़ी इकट्ठा कर लेते हैं। चलो लकड़ियाँ तो इकट्ठी हो गई, अब आग लगा लो। हाँ हाँ सच में आग लगा दो बस अब। अबे लगाना किसका इंतजार कर रहा है, जल्दी लगा। क्या देख रहे हो, जल्दी लगाओ ना। अरे लगा लगा। अरे माचिस निकालो, निकालो निकालो ना। कौन लेके आया है? यार तुम लाए होगे ना माचिस? नहीं मैं तो नहीं लाई, तुम लोगों ने सारा सामान रख लिया, माचिस नहीं रखा। मेरे पास नहीं माचिस। अबे तुम भी नहीं लाए माचिस। सीधे बोल रहा था ना, बॉनफायर एंजॉय करनी है, आग लगानी है ना, ये लो माचिस। तो बस ऐसी कभी ट्रैकिंग जाओ ना तो अपने साथ सेफ्टी के लिए डंडा, नाइफ, माचिस जरूर रखें ताकि वक्त आने पे इनको इस्तेमाल करें और अपनी ट्रैकिंग को एंजॉय करें। ठीक है एंजॉय करो। ओहो जोश जोश में तो मैंने सारा सामान इनको दे दिया, अब मैं ट्रैकिंग कैसे करूंगी? बार बार गाड़ी क्यों रुकवा रहे हैं भाभी? पता नहीं क्या हो रहा है, दोनों के दोनों पता नहीं क्या हो गए।
थोड़ा रुक जाओ। अरे रूपम जी क्या हो गया आपको? अरे हाँ दीदी जी खराब हो रहे हैं। एक तो ये टेढ़े मेढ़े रास्ते ना पूरा पेट हिल जाए। हाँ यार दी आज मेरा भी बहुत ज्यादा जी खराब हो रहा है। तो इसके लिए आप दोनों इस तरीके की ऑरेंज टॉफी को मुंह में रख लो। अगर आपको भी सफर में इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो सफर शुरू होने से आधा घंटे पहले आप ये सारी मेडिसिन को ले लें। यहाँ मैंने मेंशन किया है, ये आप डॉक्टर से भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और हाँ, इस तरीके की ऑरेंज टॉफी भी अपने साथ जरूर रखें। शिट, मेरे पैर में तो मोच आ गई। अरे हील्स टूट गई यार। हाँ हील्स भी टूट गई। ओ मेरा पैर। तो आप इन लड़कियों की तरह ऐसे हील्स तो पहनना मत, एक कंफर्टेबल पेयर ऑफ शूज अपने साथ जरूर रखना, जैसे कि मैंने रखे हैं। वाओ सनग्लासेस चेक। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मैं कर क्या रही हूँ। मैं तैयार कर रही हूँ एक चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट की मदद से हो गई मेरी सारी पैकिंग डन। तो आप भी अगर नेक्स्ट वेकेशन प्लान कर रहे हो ना तो ऐसी चेकलिस्ट जरूर बना लें। इस चेकलिस्ट में आपको जो भी पैक करना है उसकी एक लिस्ट बना लें, जैसे कैश, मेडिसिन, रेनकोट और अम्ब्रेला, नेल कटर, मैच स्टिक, टॉयलेटरीज, सनग्लासेस, पावर बैंक, फ्लिप फ्लॉप्स, कंफर्टेबल शूज वगैरह वगैरह। इस चेकलिस्ट में वो सारी चीजें आप मेंशन कर लें जो आपको अपनी ट्रिप के लिए पैक करनी है, और बस सामान रखते जाइए और चेकलिस्ट में टिक लगाते रहिए। ऐसे करके आप कोई भी सामान घर पे नहीं भूलेंगे। तो ये थे सारे ट्रैवलिंग हैक्स, आई होप आपको जरूर पसंद आएंगे। और जब भी आप नेक्स्ट वेकेशन प्लान करें तो इन हैक्स को जरूर फॉलो करें। और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी वेकेशन।